जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाइल्ड कैट्स में शेर ही एक ऐसा जानवर है जो सामाजिक होता है, यानी शेर झुंड में रहते हैं और इनके समूह को प्राइड कहते हैं, जिनमें कई शेरनी, बच्चे और शेर होते हैं, जिनमें आपस में गठबंधन होती है। एक ऐसा ही गठबंधन साबी सैंड में भी देखा गया था 6 शेरों के बीच, जिसको नाम दिया गया था मपोगो गठबंधन और मपोगो कोएलिशन। इन्हीं मपोगो बंधुओं ने साबी सैंड पर 6 साल तक राज किया था। इस दौरान उन्होंने इतने बड़े एरिया पर अपना कब्जा जमा रखा था जितना उनसे पहले किसी ने नहीं किया था, और उन्होंने जो कत्ले आम मचाया था वह भी साबी सैंड के इतिहास में पहली बार हो रहा था। माना जाता है कि मपोगो शेरों ने कम से कम 100 से ज्यादा शेरों को मारा था और कई प्राइड्स पर कब्जा भी जमाया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हुआ यह गठबंधन, कहां से आए थे सभी शेर और कैसे इनके गठबंधन का अंत हुआ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस गठबंधन में 6 शेर थे जिनका नाम था मखोलू, प्रिटी बॉय, मिस्टर टी, स्कार और किंकी टेल। इनमें से मखोलू सबसे बड़ा था, जो एक आउटसाइडर भी था, यानी यह प्रिटी बॉय, मिस्टर टी, स्कार, राष्ट्रा और किंकी टेल के अपने सगे भाई नहीं थे। अफ्रीकन लैंग्वेज में मखोलू का मतलब होता है बिग या इंप्रेसिव, क्योंकि मखोलू काफी बड़ा और भयानक दिखने वाला शेर था। मिस्टर टी का अयाल काफी यूनिक था और दूर से पहचान में आ जाता था। इस्कार का नाम इस्कार इसलिए पड़ा क्योंकि उसके ही परिजन में एक निशान था। मपोगो बंधु जिस प्राइड में पैदा हुए थे उस प्राइड का नाम स्पार्टा प्राइड था, जिनमें 5 शेर थे जिसे बाद में मखोलू ने ज्वाइन किया और एक बहुत ही स्ट्रांग गठबंधन की निर्माण भी हुई। कहा जाता है कि मखोलू मपोगो गठबंधन का लीडर था क्योंकि यह औरों से बड़ा और ज्यादा पावरफुल था। शुरुआत में बाहरी सदस्य होने की वजह से मखोलू को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वह सबसे वैल्यूएबल मेंबर बना मपोगो गठबंधन का। मपोगो बंधु 2004 में साबी सैंड की दक्षिण की तरफ बढ़ गए और अपने टेरिटरी को बढ़ाने लगे। शुरुआती वक्त में जब उन्हें स्पार्टा प्राइड से खदेड़ दिया गया था तब वे छोटे थे और किसी तरह बचे खुचे खाने पर जो दूसरे प्राइड की शेरनियां शिकार के बाद छोड़ जाती थी उन पर निर्भर रहते थे, लेकिन समय के साथ वे भी काफी ताकतवर होते गए और नए नए स्किल सीखते गए। कुछ ही समय बाद वे काफी स्किल्ड शिकारी बन गए, स्पेशली बफेलोस का शिकार वे काफी आसानी से कर लेते थे। केंकी टेर एक बेहद खतरनाक शेर था और सामने आए किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था। मखोलू मपोगो का सरदार था और वही डिसाइड करता था कि उसकी टीम किस पर हमला करेगी और पहला हमला भी वही करता था। किंकी टेल और मिस्टर टी इस पूरे शिकार के दौरान सबसे ज्यादा एग्रेसिव और अहम रोल अदा करते थे। मिस्टर टी बाकी मपोगो बंधुओं से ज्यादा एग्रेसिव था और शिकार के दौरान तो कई बार वह अपने भाइयों से ही लड़ाई कर लेता था। 2006 में मपोगो बंधु साबे सैंड के उत्तरी इलाके में दाखिल हुए दहाड़ते और चीखते हुए, आतंक का एक ऐसा नजारा पेश करने के लिए साबे सैंड के इतिहास में जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था। और उनका वहां पर प्रवेश वहां रह रहे 4 शेरों के लिए एक खुला चैलेंज था, क्योंकि मखोलू अपने भाइयों के साथ इस इलाके में खुले आम घूम रहा था और टेरिटरी मार्क कर रहा था। क्योंकि वे काफी स्ट्रांग थे उन्होंने इन 4 शेरों में से एक को मार दिया, जिससे बचे 3 वह इलाका छोड़कर भाग खड़े हुए। अब साबी सैंड का पूरा उत्तरी इलाका मपोगो लायंस का था। यह मपोगो लायंस की पहली बड़ी टेरिटरी वार थी जिसमें उनकी जीत हुई।
इस बड़ी जीत के बाद मप्पू को बंधुओं ने अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे प्राइड्स पर हमला करना शुरू कर दिया। और जब भी वे किसी प्राइड पर हमला करते, सबसे पहले शेरों को मारते और उसके बाद छोटे बच्चों को, ताकि वे उन शेरनियों के साथ अपने बच्चे पैदा कर सके। इस दौरान अगर कोई शेरनी अपने बच्चों को बचाने की ज्यादा कोशिश करती, मपोको लायंस उन्हें भी मार देते थे। यह प्रक्रिया एक उम्दा एग्जाम्पल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, यानी जो सबसे सक्षम होगा वही जिएगा और उनके बच्चे भी। अक्सर यही देखा गया है कि ऐसे किसी गठबंधन में एक या दो शेर दबंग होते हैं और बाकी उसके सिपा सलार होते हैं। लेकिन फिर उनके सामने यह सवाल उठता है कि वे उस टोली में रहें और दबंगों का हुक्म बजाएं, या फिर उनसे अलग होकर अपनी एक दूसरी टोली बना ले। मिस्टर टी और किंग की टेल तो मानो सिपा सलारी के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, वे तो बस राज करना चाहते थे। लेकिन मखोलू उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, वह बॉस था मपोको लायंस का। वैसे तो मिस्टर टी सबसे छोटा था, लेकिन वह हमेशा दबदबा बनाने की कोशिश करता था। और एक दिन आया जब मखोलू और मिस्टर टी के बीच लड़ाई हो गई। ऐसी लड़ाई दो शेरों के बीच पहले कभी नहीं देखी गई थी। मिस्टर टी ने मखोलू को कड़ी टक्कर दी थी। और उसके बाद ही गठबंधन में दरार पड़ने लगी, जिसकी वजह से मिस्टर टी और किंग की टेल बाकी चारों को छोड़कर चले गए। अब वह गठबंधन बढ़ चुका था और दोनों ही साबी सैंड के अलग अलग इलाकों पर राज करने लगे। मिस्टर टी और किंग की टेल के बीच काफी कमाल का तालमेल था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। अपने भाइयों से अलग होकर इसी तरह बंजारे शेरों से अपनी सीमा की रक्षा करते हुए किंकी टेल और मिस्टर टी का समय बीत रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि एक पांच शेरों का गठबंधन बन रहा है, जिसे मजनलानिस कहते हैं, और वे धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। किसी एक बंजारे शेर से लड़ना किंकी टेल और मिस्टर टी के लिए आम बात थी, लेकिन पांच शेरों से लड़ना इनके लिए एक बड़ी चुनौती था। साबी सैंड में मपोको बंधुओं के कब्जे के बाद पहली बार इतनी बड़ी ताकतवर और मजबूत शेरों का समूह साबी सैंड में देखा गया था। मौका देखते ही मिस्टर टी और किंग की टेल ने मजिंगलानी शेरों में से एक शेर को उनकी टोली से अलग करके घेर लिया और बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले ली। फील्ड गाइड बताते हैं कि मिस्टर टी और किंग की टेल का वैसा आक्रामक रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी दहाड़ से पूरा साबी सैंड कांप रहा था। धीरे धीरे दिन ढल रहा था और इस दौरान मजिंगलानी शेरों के हमले से बेखबर मिस्टर टी और किंग की टेल अपने जख्मों का इलाज करने में लगे हुए थे। लेकिन घुसपैठी मजिंगलानी बदला लेने के लिए तेजी से बढ़ते चले आ रहे थे और मौका देखकर उन्होंने किंग की टेल को चारों तरफ से घेर लिया था और हर तरफ दिल दहलाने वाली आवाज और दहाड़ मानो एक बहुत बड़े खतरे का एहसास दिला रही थी। मजिंगलानी शेरों ने किंग की टेल को दबोच रखा था। तभी अचानक वहां पर कहीं से मिस्टर टी आ गया, लेकिन मजिंगलानी पे मानो खून सवार था। उन्होंने उस पर भी हमला बोल दिया। मिस्टर टी जानता था कि वह अपने भाई को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर इन चारों ने बड़ी बेरहमी से किंग की टेल की जान ले ली। जब फील्ड रेंजर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को पता चला किंग की टेल की मौत की खबर, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि किंग की टेल बहुत ही उम्दा, भयानक और दबंग शेर था और उसे खो देना एक शोक की बात थी। मिस्टर टी अब अकेला पड़ चुका था, इसीलिए वह साबी सैंड के दूसरे इलाके की तरफ चल पड़ा, जहां उनके चार भाई रहते थे, जिनका सरदार मखोलू था। आम तौर पर ऐसा होता है, जब शेर अपना परिवार बना लेता है, तब वह बाहरी शेर को एक दुश्मन की तरह देखता है, चाहे वह उसका भाई ही क्यों ना हो।
लेकिन मकुलू और बाकी शेरों ने मिस्टर टी को अपना लिया था। और इस तरह समय बीतता गया, लेकिन मिस्टर टी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था और वह धीरे धीरे एक एक करके अपने भाइयों के बच्चों को मार रहा था और उन बच्चों को मारकर खा जाता था ताकि वह उन शेरनियों के साथ सहवास कर सके जिनके साथ उनके भाई सहवास कर रहे थे। अजीब बात तो यह है कि मिस्टर टी की इस हरकत पर किसी की नजर नहीं जा रही थी और मिस्टर टी की इसी हरकत की वजह से लोगों ने उसे सैटन यानी शैतान का भी नाम दिया था। अगले 2 साल में मजिंगलानी शेरों ने मपोगो के लगभग पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया था। इस दौरान प्रिटी बॉय और राष्ट्रा भी गायब रहे। सबका मानना है कि मजिंगलानीज ने उन्हें भी मार दिया था। एक वक्त वह भी था जब दमदार मपोगो गठबंधन का साबी सैंड पर राज था। उनके कहर से पूरा साबी सैंड कांपता था, लेकिन अब उनकी पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जंगल में एक शेर लगभग 12 साल तक जीवित रहता था। ऐसे में 3 बचे मपोगो का अंत करीब था क्योंकि हर तरफ विरोधी सर उठा रहे थे। 2012 में 5 शेरों का एक और गठबंधन साबी सैंड के दक्षिण में आधमका, जो मपोगो बंधुओं का इलाका था, जिनका नाम था सिलाटीज। और एक दिन ऐसा भी आया जब सिलाटीज ने, जो काफी यंग और पावरफुल थे, मिस्टर टी पर हमला बोल दिया। लेकिन मिस्टर टी भी कम नहीं था, वह अपने बुढ़ापे में भी अपनी सीमा का रक्षा करने के लिए लड़ पड़ा और सम्राट मिस्टर टी ने अपनी जान गंवा दी। मपोगो बंधुओं ने 6 साल तक साबी सैंड पर राज किया और जो मार काट उन्होंने मचाई, ऐसी मार काट पहले किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन अफसोस, उनका अंत भी उतने ही हिंसक तरीके से हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.